अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम अलैकुम। तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से उस पर चॉक, डस्टर, रबर वगैरह तीन चार चीज़ें खड़ी रखी है। अब देखिए जो बयाजे बाहर की सिमत निकली हुई है इसे तेज़ी से बाहर निकालिए कि दूसरी बयाजे ना हिले। मुशाहिदा करें इसका नतीजा क्या होता है। अब वापस बयाजों को एक पर एक रख कर उन पर चॉक, डस्टर, शार्पनर वगैरह खड़ा रख दीजिए। इस तरीके से इस ढांचे को आहिस्ता से धक्का दे और मुआयना करें। इसके बाद फिर थोड़ा सा ज़ोर का धक्का दे, मुशाहिदा करें क्या होता है। एक सादे कागज़ की पट्टी लीजिए, इसके दोनों सिरों पर हाथ रखिए और फिर हाथ को आहिस्ता आहिस्ता पट्टी पर दबाव डालते हुए एक दूसरे के जानिब सरकाइए। इस अमल को दबाव कहते हैं। पट्टी के दोनों किनारों पर मरकज की तरफ दबाव डाला गया तो पट्टी सरक कर इसमें लहरें पड़ गई। इसी तरह ज़मीन पर भी दबाव की वजह से हलचल पैदा होती है और उसमें लहरें पैदा हो जाती है। बच्चों आइए देखते हैं। पतले कागज़ की एक लंबी पट्टी लीजिए और इस पट्टी का एक सिरा दाया हाथ में रखिए और दूसरा सिरा बाएं हाथ में पकड़िए। अब इस पट्टी को दोनों सिरों के मुखालिफ सिमत में ज़ोर से खींचिए। देखिए जिसकी वजह से मुखालिफ सिमत में खींचने की वजह से तनाव पैदा होता है और इसी तरह कशरे अर्ज में जब ज़मीन की हलचल मुखालिफ सिमत में होती है तो तनाव पैदा होता है, ज़मीन में शगाफ पैदा होते हैं।